हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीता विक्रम इंडियन रेसिपीज। आज की मेरी रेसिपी है कुरकुरी और झटपट बनने वाली जलेबियाँ। नॉर्मली जब हम मार्केट जलेबी लेने जाते हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, पर आज जिस रेसिपी से मैंने मार्केट जैसी जलेबियाँ बनाई हैं उसमें इससे भी कम समय लगा है। इस मेथड को आप भी ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताइए आपकी जलेबियाँ कैसी बनी। और मेरे चैनल नीता विक्रम इंडियन रेसिपीज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो, और मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए बनाना शुरू करें। जलेबी बनाने के लिए एक कटोरी मैदा लेंगे, एक चौथाई कटोरी दही, इसे अच्छे से फेंट के लिया हुआ है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, इससे जलेबियाँ बहुत अच्छी कुरकुरी बनेंगी। रंग के लिए कुछ केसर के धागों को दूध में डाला है, इसकी जगह हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं 2 पिंच। चाशनी के लिए एक कटोरी शक्कर, 2 से 3 चम्मच केवड़ा जल, इससे बहुत अच्छी गुलाब की खुशबू आती है, कुछ स्लाइस नींबू के, 2-3 धागे केसर के और 2 पिंच इलायची पाउडर लेंगे। चलिए बनाना शुरू करें। एक बड़े बर्तन में मैदा लेके इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, हल्दी भी इसी समय मिक्स कर सकते हैं, इसमें दही डालेंगे और इसे मिलाना शुरू करेंगे। अब इसमें केसर वाला दूध डालेंगे जो हमने कलर के लिए बना के रखा है, ये एकदम ऑप्शनल है। इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे कि मैदे में गुठलियां ना पड़े। इसे अच्छे से चलाएंगे और इसका एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट अब बनके तैयार हो गया है। चलिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में शक्कर लेंगे, 1 कप शक्कर के लिए मैंने 2 कटोरी पानी लिया है, इसे अच्छे से तेज आंच पे हम पकाएंगे। जैसे ही इसकी गुलाब जामुन की चाशनी जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसमें केवड़ा जल डाल देंगे। और मेरी चाशनी बहुत साफ बनी है इसलिए मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें इसी समय अगर चाशनी गंदी है तो नींबू की स्लाइस डालिए, इलायची पाउडर डालिए और केसर के धागे डालिए। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने एक छोटी सॉस की स्क्वीजिंग बॉटल ली है, मैदे में कुछ एयर के बबल दिखेंगे आपको, ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है, इसे मैं इस सॉस की बॉटल में अच्छे से भर दूंगी। सॉस की बॉटल से जलेबियों का शेप बहुत अच्छा आता है, आप इसकी जगह मेहंदी का कोन भी यूज कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे, इसमें तेल लेके गोल गोल जलेबियाँ डालना शुरू करेंगे। तेल मीडियम हीट पे गरम करा हुआ है, सॉस की बॉटल को दबाते हुए इससे छोटी छोटे शेप की जलेबियाँ आप डालिए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई हैं, मैं इन्हें पलट रही हूँ। जलेबियाँ एक तरफ से सिक जाएं तो इन्हें दूसरी तरफ से भी पलट के सेकना चाहिए। ये जो मैंने पैन लिया है इसकी हाइट बहुत कम है और इसमें मैंने सिर्फ 1/2 इंच तक तेल भरा हुआ है। जलेबियों को अच्छे से पलट पलट के सेकिए जिससे कि ये एकदम कुरकुरी हो जाएंगी। इनका रंग सुनहरा होने लगेगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे और शक्कर की चाशनी में डाल के, देखिए ये पक गई हैं। अब इन्हें शक्कर की चाशनी में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए वरना ये मुलायम पड़ जाती हैं। और अगर आपकी जलेबियाँ अच्छी कुरकुरी नहीं बन रही हैं तो आप इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर और डाल सकते हैं। इन गर्मा गर्म जलेबियों को चाशनी में डालेंगे और इन्हें 1/2 मिनट तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है वरना जलेबी मुलायम पड़ जाएंगी, और इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे क्योंकि रखने से जलेबियों का स्वाद कम हो जाता है। आप इस तरह गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाएं और इन्हें सर्व करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। टिल देन एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।